हेलो गाइस, काफ़ी सारे कमेंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि हम गलती से अपने जीमेल ऐप में से मेल कोई डिलीट कर देते हैं तो हम उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो आपके सामने है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही हमारी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन। यहाँ पर हमें सिंपली अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हमारी काफ़ी सारे मेल्स शो कर रही हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन का ऑप्शन जाता है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे एंड में हमें एक ऑप्शन मिलता है BIN बिन, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक हम जैसे ही करेंगे तो हम अपनी मेल में से, जीमेल में से कोई भी अगर मेल हम डिलीट करेंगे तो वो यहाँ पर रिसाइकल बिन में आ जाती है। तो मैं आपको कोई एक मेल डिलीट करके भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ऑल इनबॉक्स पर जाता हूँ और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर इस तरह की ये मेल है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। डिलीट मैंने ये कर दी, 1 deleted लिख कर आ चुका है। एंड उसके बाद हमें जाना है 3 लाइन पर। अब वापस लाने के लिए हमें जाना है रिसाइकल बिन में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर अपनी जो मेल डिलीट की थी वो यहाँ पर शो होने लगी है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और वो मेल यहाँ पर शो होने लगी है। तो हमें इसको रिकवर करने के लिए इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है मूव टू, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कर लेते हैं प्राइमरी। तो हम यहाँ पर प्राइमरी जैसे ही करेंगे तो जो हमारी मेल होगी वो रिकवर हो जाएगी। तो मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, अगर आप किसी मेल को गलती से डिलीट कर देते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको रिकवर कर लीजिए, क्योंकि 30 दिन के बाद यहाँ से जो रिसाइकल बिन है इससे सारी की सारी मेल्स डिलीट कर दी जाती हैं और आप बाद में उस मेल को रिकवर नहीं कर सकते। तो रिकवर करने के लिए आप 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिकवर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।